चलो दोस्तों, आपसे एक मूर्तिकार चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे दिख रहे घंटे को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुँचती रहे, जिससे आप हमारी वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाऊँ जो मैंने 12 फुट की मूर्ति मतलब कि डाला हूँ इनकी यूट्यूब पर जो मैंने अपलोड किया है। तो 12 फीट की मूर्ति में जो मैंने चेहरा बनाया है मैंने उसकी दुर्गा जी का, वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को मतलब लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भैया ज़रूर कर देना, क्योंकि अपने भाई का चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर छोड़ना, जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। माता रानी जो है आपका कल्याण करेंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा मैं उसकी वो चेहरा जो मैंने बनाया है 12 फीट मूर्ति में लगाने के लिए, कितना बड़ा चेहरा है। मैंने दो चेहरा बनाया हूँ, एक राक्षस का चेहरा है एक दुर्गा जी का चेहरा है। तो इस वीडियो में वही दोनों आपको दिखाऊँगा मैं उसकी। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो चेहरा, ठीक है। तो चेहरे को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, वो सूख भी गया, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो मतलब यूट्यूब पर डाल दें आज। वो भी मतलब बनाने मतलब सफाई करते वक्त मैंने डाला था, लेकिन सूखने के बाद आपको मैंने नहीं दिखाया था वो वीडियो। तो मतलब कि मैं सोचा इसके बारे में बना देता हूँ जिसको आप देखें समझें, ठीक है। थोड़ा नॉलेज आपको भी मिलेगा इससे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं वो चेहरा आपको, वो फेस दिखाते हैं आपको। तो चलिए दिखाते हैं आपको फेस, जो दुर्गा जी का मैंने फेस बनाया है वो ये रहा। देखिए आप, ये रहा दुर्गा जी का फेस, आप देख सकते हैं। देखिए आपको तो कैसा रहा ये फेस, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मैंने कैसा बनाया है इसको, सफाई कैसे की है वो आपको बताना है। इसमें सफाई हुई है कि नहीं हुई है आपको वीडियो के माध्यम से पता लगेगा। देखिए चेहरा बड़ा है, मीन्स की लार्ज चेहरा है मीन्स की। देखिए ये दोनों आंखें हो गई है, नाक वाक को मैंने सफाई बहुत अच्छे तरीके से की है, मन लगा के की है। देख रही हैं थोड़ा बहुत है जैसे रेगमार से मतलब मार देंगे, इधर थोड़ा बहुत गड्ढा गुड्ढी होगा तो रेगमार से 80 नंबर रेगमार से अगर रगड़ देंगे हम इसको तो एकदम क्लीन हो जाएगा एकदम। इसको मैं करूँगा कब वो भी दिखाऊँगा, जब पेंट करने जाने मतलब जब पेंट होती है मूर्ति तब इसको किया जाता है। 80 नंबर रेगमाल लीजिए उसके बाद अच्छे तरीके से, नहीं तो 120 नंबर ले लीजिए सबसे अच्छा, पतला रहता है एकदम बारीक रहेगा। 80 नंबर से करेंगे आप तो थोड़ा दाना निकल सकता है मतलब दानेदार बनेगा, वो उतना क्लीन नहीं आएगा। लेकिन जो 120 नंबर से बनाएंगे आप जब चेहरे मतलब क्लीन करेंगे, एक नंबर सफाई आएगी और एक नंबर चेहरा दिखेगा, ठीक है। ये रहा चेहरा, ठीक ये पूरा मतलब हालो है अभी मतलब लगेगा उसके ऊपर, उसके ऊपर मतलब मिट्टी का गोल बनाया जाता है तो देख सकते हैं आप, ठीक। तो और तो दिखाते हैं आपको राक्षस का चेहरा जो कि मैंने उसको खुद बनाया हुआ है। मैंने इसको पहले बनाया, ठीक कैसे बनाया, मैंने पहले ने एक चेहरा को बनाया, उसके बाद मैंने इसकी डाई बना के मतलब घर पे रख लिया हूँ। मेरे पास इसकी डाई भी मौजूद है, मैं आपको डाई भी बना के दिखाऊँगा। मतलब डाई मैं दो प्रकार से बना के दिखाऊँगा आपको, एक जो बनाऊंगा वो मिट्टी से बनाऊंगा, दूसरा जो बनाऊंगा वो POP से बनाऊंगा। दोनों की डाई इस वीडियो में आपको मतलब इस चैनल पे आपको मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि काम अभी बहुत धीरे चल रहा है। मैं इसके भी काम धीरे चल रहा है, जब काम थोड़ा फास्ट जब होगा तो मैं आपको उसको ज़रूर बना के दिखाऊँगा। तो वीडियो को हमारे पसंद ज़रूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब में ही हमारा जो है आगे बढ़ने का लक्ष्य जो है वो पूरा होगा। तो आप इसको मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। चलिए राक्षस के चेहरे को दिखा देते हैं, राक्षस का चेहरा कैसे बना हुआ है। तो ये देखिए राक्षस का चेहरा रहा, ये रहा राक्षस का चेहरा जो कि लगभग ये राक्षस बनेगा। ये 5 फीट के राक्षस का चेहरा है, लगभग 5 फीट का राक्षस लगभग रहेगा ये। तो 5 फीट राक्षस का पूरा फेस है देख सकते हैं आप। अभी ये थोड़ा सफाई मांग रहा है, अभी सफाई उतनी अच्छे से कर नहीं पाया हूँ, अभी थोड़ा सा देखिए उबड़ खाबड़ है। तो ये सफाई जब हो जाएगी तो और ही झक्कास दिखेगा। ये मूर्ति जब पेंट होने लगती है तो इसकी ओरिजिनल सफाई तभी करी जाती है, तो मैंने वैसे कर दिया है। ये बेस रहा इसका, ये टकला हो गया, अभी टकला है
मतलब इसका टकला भी बनेगा इस पर, मीन्स कि समझ सकते हैं आप, इसका मतलब ऊपर से जो मिट्टी लगती है उसी को मतलब बोलते हैं हम लोग, इस पर मिट्टी जो लगेगी इस पर मतलब सर बन जाएगा। अभी तो एक खोखला है देख लीजिए, इस पर बांस में घुसेड़ा जाता है, ये छेदा है ये, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।